नमस्कार पियाड़ी भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू हेल्प में। दोस्तों, पियाड़ी जवानों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में काफ़ी ज़्यादा पियाड़ी जवान ड्यूटी रहते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे जवान हैं जिनको काफ़ी लंबे समय से कई महीनों तक ड्यूटियाँ नहीं मिल पाती हैं। इसी के लिए दोस्तों यहाँ पर एक ज़रूरी आदेश जारी किया गया है। ऐसे जवान जिनको ड्यूटियाँ नहीं मिल पा रही हैं, उनका दोस्तों मांग पत्र उपलब्ध कराए जाने के लिए एक ज़रूरी आदेश जारी किया गया है, जिसके बारे में अभी आगे वीडियो में आपको सारी जानकारी डिटेल के साथ देने वाले हैं कि महानिदेशालय से कौन सा आदेश जारी किया गया है। तो प्लीज़ इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस आदेश के बारे में। तो दोस्तों, हम आज के उस आदेश की तरफ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रेषक महानिदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी उत्तर प्रदेश। यहां पर आप देख सकते हैं पत्र संख्या जो यहां पर दिया गया है, और दिनांक जो है 30 जनवरी 2024 का है आदेश है। विषय में इन्होंने लिखा है कि चालू वित्तीय वर्ष 23-24 के अवशेष माहों हेतु पियाड़ी स्वयं सेवकों की ड्यूटी हेतु मांग पत्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। आगे आप देख सकते हैं, महोदय कृपया उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराते हुए अवगत कराना है कि आपके जनपद को चालू वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु पियाड़ी स्वयंसेवकों की विभिन्न स्थलों हेतु ड्यूटी की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुए उनके ड्यूटी भत्ते के भुगतान हेतु बजट का आवंटन किया जा चुका है। इस संबंध में अवगत कराना है कि आवंटित बजट के 100% सदुपयोग किए जाने के उद्देश्य से यदि आपके जनपद में विभिन्न स्थलों पर विभागीय पोर्टल पर लॉग्ड पियाड़ी स्वयंसेवकों में से ड्यूटी से वंचित पियाड़ी स्वयंसेवकों की ड्यूटी उपलब्धता के आधार पर लगाए जाने हैं, तो मांग पत्र उपलब्ध कराया जाना है। अतः उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि 3 दिन के अंदर ड्यूटी से वंचित स्वयं सेवकों की उपलब्धता के आधार पर मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यहां पर आप देख सकते हैं, अजात शत्रुशाही उपनिदेशक कृत्य महानिदेशक के द्वारा है आदेश जारी किया गया है, और प्रतिलिपि भी जो है समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी ड्यूटी दोस्तों नहीं लगी थी किसी स्थल पर, या फिर आप काफ़ी दिनों से ड्यूटी से वंचित रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर निदेशालय द्वारा ड्यूटी से वंचित स्वयंसेवकों की उपलब्धता के आधार पर उनका दोस्तों ड्यूटी मांग पत्र यहाँ पर उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर आपके जनपद में दोस्तों 20 या 50 ऐसे पियाड़ी के जवान हैं जिनको ड्यूटियाँ नहीं मिली हैं, तो अगर आपके यहाँ ऐसे जवान हैं तो उनकी यहाँ पर ड्यूटी के लिए यहाँ पर एक मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से महानिदेशालय को भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ ही दोस्तों यह ज़रूर बताएँ कि आप किस जनपद से हैं, कि आपको ड्यूटी रेगुलर प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।